वाजे तौर पर कह देना चाहते हैं कि काम चाहे कितना सही हो, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है। हम लोग मदरसे, हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसको एजुकेट करते हैं। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी, हम ऐसा समझते हैं। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है, हमारा आपका सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहे कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिस अंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे, हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, हर वो चीज जो गलत हो हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे, हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं उसको हल करने के लिए तैयार।